अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। जरूरत का सामान तो पूरा लिया तूने? हाँ। जो गुरुदेव ने बोला। हाँ ठीक है, ये पानी की बोतल ले लूँ मैं। हाँ वो पानी की बोतल तो ले ले तू, एक काम कर, क्योंकि सुबह है ना गुरुदेव यहाँ पे 4 बजे पहुँच जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ अभी वापस बात हुई थी मेरी फोन पे। यार दोस्तों कुछ जो जरूरी सामान जो कि कम पड़ गया था, यहाँ से बाजार काफ़ी दूर, कुछ पानी कुछ खाना खाने के लिए हम गए थे, और जैसा कि आप सबको पता है कि किशन भाई की हालत क्या चल रही है। तू एक काम कर, सुन किशन जी बिल्कुल अकेले हैं, तू पहले है ना माता रानी के धोख दे फटाफट और सीधा किशन जी के पास चल। नहीं वहीं चल, वहीं चल, माता जी के यहाँ से देगा क्या, उनकी थड़ी पे चल भाई, कुछ किशन जी की आवाज़ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करके पकड़ना है, क्योंकि उनके पास में रहना अपना बहुत जरूरी है। उनका पैर तो टाइट बंधा था ना। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यह है खोड़ा माता का स्थान, जहाँ पे कहते हैं कि दोस्तों ये ऊपरी चोट फेट जो भी बाधाएं होती है यहाँ आने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। बरसों पुराना बहुत ही प्राचीन मंदिर, और इसीलिए किशन भाई को हम यहाँ लाए हैं और जल्द से जल्द उनका इलाज चालू करेंगे। और मुझे खोड़ा माता पे पूरा विश्वास है कि माता जी जल्द से जल्द मेरे भाई को तैयार कर देगी, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने उनके किशन जी के साथ क्या किया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तूने कुछ नहीं करा था भाई, लेकिन जब वो बाला जो तेरे पे थी ना वो आ गई थी किशन जी के पे। जब मेरे को होश आया, मेरे को पता चला, तो कुछ बातें जीतू भाई ने मेरे को बताई थी, तो उससे मेरे को लगता है कि गुनहगार मैं ही हूँ। तो चलते हैं दिखाते हैं भाई। और दोस्तों वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, केवल ऑडियंस को थोड़ा सा एक क्लिप दिखा रहे हैं कि क्या हालत चल रही है क्या नहीं। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि हमारे गुरुदेव ने जो डिसीजन लिया ना वो यहीं का लिया है, यहीं पे उनका इलाज चालू करेंगे। सवेरे वो सही यहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच में पहुँचेंगे और जल्द से जल्द उनका इलाज चालू कर देंगे। किशन जी के हालात बहुत बुरे हैं, बस इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। दोस्तों जैसा कि आप सारी चीज़ें देख रहे हो, ऐसी दिक्कतें जिनके भी साथ हो जाती है, जिनके भी साथ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं उनको यहाँ रखा जाता है 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, और माता रानी के आशीर्वाद से उनकी सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। और मैं फिर से एक बार माता जी से यही प्रार्थना करता हूं कि माता जी मेरे भाई को जल्दी जल्दी तैयार कर दे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल दूं कि वीडियो ठीक है ना हम चला के शूट कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बोला था एक वीडियो मैंने भी शूट करी है जो मेरे चैनल पे आएगी, और एक मनोज की ऑडियंस भी देख सके कि किशन जी की हालात क्या है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मकसद ये है कि जो आपने हमारे से डिमांड करी कि किशन भाई की हालत कैसी है वो दिखा रहे हैं हम आपको। और ये जितने भी स्थान बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत बाधा। भाई 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 रुक 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 रुक, देखो वो क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं मनोज 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 सीधे रास्ते चल, सीधे रास्ते चल, सुन सीधे रास्ते चल मेरे भाई। मुझे क्या क्या मना दिया उन्होंने, तू चल 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 चल, और ध्यान रखना गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा नजदीक मत जाना वो डोंग करेगी।
मनोज भाई ध्यान से देख, देख ध्यान से दूर से मनोज, अभी तूने देखा नहीं पहले, पानी पी लो भाई। ओ भाई, इनकी हालत है, ब्लड निकाल लिया भाई, मुंह से भी ब्लड निकाला, सर से भी निकाला है। मनोज, इसलिए कहा था देख, इसके अंडर में नहीं जाना अपने को। ओ भाई, मनोज, मार दूंगी। मनोज, ब्लड निकाल लिया भाई, ये है ना खुद के नहीं निकाल रही है, किशन जी के ब्लड निकाल रही है ये। यार भाई, इनको बिल्कुल फिक्स बांधना चाहिए था यार भाई, ये यार ध्यान रखना। देख मैं फिर कह रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा था ये डोंग करेगी, इस बाउंड्री के बाहर तो नहीं निकल सकती ये, तंत्र मंत्र से बांध रखा है भाई। भाई लिख रही है, क्या लिख रही है भाई, ये क्या लिख रही है यार, दूर से भाई, दूर से पता नहीं क्या क्या मना दिया यार। किशन जी एक मिनट रुको, मुझे लगता है नहीं चल रहा है। अरे ये गुरुदेव ने कहा था ना, ये खुद के कंट्रोल में कर लेगी तुझे वापस, दूर दूर ही बना के रख इससे, ये ढोंग कर रही है। आप किशन जी, किशन जी हो, किशन जी भूख लग रही है, किशन जी भूख लग रही है, खाना खाओगे? मुझे नहीं चलाना भाई, वो मुझे मार देगा। देख 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 देख, ये ढोंग कर रहे हैं, मुझे ले चलो, वो मुझे मार देगी। कोई नहीं मारेगा। अब आगे रहे हैं स्थान पे, माता जी सब, या माता जी सब तैयार कर देगी। ओ भाई, क्या कर रही है भाई, क्या कर रही है भाई, यार मुझ भाई एक बार तू एक काम कर, बात करने की कोशिश कर, ये असली रूप में आती है या नहीं आती है, क्योंकि अभी तक असली रूप नहीं दिखाया। मनोज अगर तेरे को खतरा लगे ना तो भग लेना, क्योंकि ये ना तेरे को अंडर में दांत घुसा देगी, पहले तेरे को वापस अंडर में कर सकती है। मनोज किशन जी कौशल्या, मुझे पता है तुम ही हो और तुम्हारा अंत होने वाला है, कल का रुक जाओ, जितने भी करने हैं तुम्हें तामझाम कर लो। अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दे, अभी भी टाइम है, अभी अगर छोड़ेगी ना, नहीं तो तेरे को बहुत तकलीफ होने वाली है, मेरे गुरुदेव बहुत तकलीफ। तू तो मर गया। मनोज निकल, कहा था यार मनोज यार एक सौ पतला यार फालतू में, क्या हुआ हाँ? दांत तो नहीं लगाया? नहीं। बता मेरे को, इधर दांत तो नहीं लगाया ना भाई, ये देख, ये पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं क्या है, एकदम मेरे ऊपर लपकी थी भाई, दूर से भाई। सुन मेरी बात, हाँ एक काम कर, देख मैं फिर कह रहा हूँ, एक काम कर, वो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, वो बोल दे कि असली रूप में आती है क्या खुद के। देख भाई असली रूप में आ रही है, कुछ लिख रही है ये, देख क्या लिख रही है, ये इसका असली रूप है। अब तू बात करके देख ले, इसकी आवाज भी चेंज होगी, अभी चैलेंज करता हूं मैं तेरे को, अब तू बात करके देख ले इससे पहले।
मरेगी तो तू। मरेगी तो तू। भलाई इसी में है, छोड़ दे मेरे भाई को। और क्या गलती थी इसकी, क्या गलती थी इसकी? कोई नहीं मारेगी, कोई नहीं मारेगी, मुझे सब पता है। मनोज 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 मैं कह रहा हूँ इससे दूरी रख, उधर चल, उधर चल, इससे दूरी रख, इससे दूरी रख, जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रह। मुझे पता है कौशल्या तुम ही हो, और एक बात मैं बता देता हूँ, जितना दुख तकलीफ मेरे भाई को पहुंचाओगी ना उतनी तकलीफ तुझे होने वाली है। या तो छोड़ दे, या तो छोड़ दे मेरे भाई को। मुझे मार देगी। कौन आ गई? कोई नहीं है, ढोंग कर लिए, सब ढोंगे मैं। भाई ज्यादा तकलीफ मत दे फालतू में, ये बाहर तो निकल नहीं सकती, जो दिखाना था वो दिखा दिया भाई, अब जिसको विश्वास करना करने दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तू चल यहाँ से। दोस्तों मुझे इस स्थान पे, माता रानी पे, खोड़ा माता पे पूरा यकीन है। इसको भाई देख, डोंग कर रही है भाई, इसलिए भाई को यहाँ पे लाए हैं, और दुआओं और प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों एक चीज बोलता हूँ, तो यह है माता रानी का रियल स्थान, ठीक है ना, इससे ज्यादा हम सच्चाई दिखा नहीं सकते। और आपको यकीन नहीं हो तो ये खोड़ा माता का मंदिर पड़ता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पे अच्छों अच्छों का इलाज हो जाता है। और हम कोई चीज झूठ नहीं बोल रहे हैं, बताऊँ उसका सबूत भी देना चाहता हूँ मैं आपको। हर कक्ष के अंदर ऐसे भगवान के ये भी बनाए हुए हैं, देखो आप स्वास्थ्य वगैरह सारे है यहाँ पे, ज्यादा बात नहीं करते। हाँ तो दोस्तों दुआ प्रार्थना करना, और हम लगे हुए हैं, मुझे जहाँ तक यकीन है कि एक दो दिन में या हो सकता है कल ही ये माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी अभी भाई की हालत आपने देखी कि बहुत ज्यादा खराब है। ओ भाई वो देखो सर पोड़ रही है वापस उस तरफ। बंद कर वीडियो, जय माता की। दोस्तों जय माता, तू संभाल वीडियो को, छोड़ तू संभाल किशन जी को।